पहला बताइए हैप्पीनेस तुम्हारा, गुजराती बोलबाला दिया या? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ टीम. हम लोग पहले से 3 महीने से हम लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ थे, तो काफ़ी टीम बॉन्डिंग भी हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर. बीइंग माय फर्स्ट ओलंपिक्स, काफ़ी लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स था तो काफ़ी कुछ सीखने मिला. अच्छा, पूरी टीम आपके शूटर्स की पहली बार गई थी ओलंपिक? नहीं, दिस इज सेकंड टाइम. अच्छा अच्छा, रियो. तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट हम लोग की जो टीम बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी रही सर. सो इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस. अभी भी मणिनगर में रहते हो कि कहीं और रहने चले गए? नहीं सर, मणिनगर में रहते हैं जी सर. तो वहाँ से संस्कार धाम तो बहुत दूर पड़ता है तुम्हें? सर 30 किलोमीटर. हाँ बिल्कुल. रोज जाती थी सर? रोज सुबह 4:55 की बस होती थी. पहले जाके ट्रेनिंग करते थे 10 बजे तक, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करते थे. संस्कार धाम वाले तो अभी भी खुशी बना रहे जी सर, अभी भी. सर मैं यशस्विनी और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम... तो तुम्हारे दिमाग में यूपीएससी भरा नहीं पड़ा है ना? हैं? क्योंकि माँ बाप दोनों उसी दुनिया में है तो तुम्हारा मन करता होगा. सर बहुत ज्यादा गर्व है मुझे हम सब पर कि हम सब लोगों ने गिर गिर कर खड़ा होना सीखा है और उसी की वजह से हम यहाँ पे हैं. और जितनी हिम्मत सब ने दिखाई है उससे मुझे इतना ज़्यादा गर्व है कि और उम्मीद है कि हम और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और अपना बेस्ट देंगे. नमस्कार सर, मेरा नाम राही सगनोगत है. मैं 25 मीटर इवेंट में कम्पीट करती हूँ और सारे शूटिंग टीम की तरफ से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी खिलाड़ियों ने कुछ कुछ गिफ्ट किया है, बट वी आर सॉरी हम आपको वेपन गिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कभी रेंज पे आ, हमारे वेपन हमारे साथ चले. अच्छा किया आप लाए नहीं, वरना एसपीजी वाले बाहर रोक लेते हैं. जी सर बिल्कुल. एसपीजी वाले देखते ही डरते. सर नमस्कार आपको, मेराज अहमद खान, स्की शूटिंग. रियो में जाने से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हो. आप ऐसा मन में मत रखिए, ये सब समान है यहां पर. नहीं नहीं बिल्कुल, मेरा तो मानना ही है कि जो आदमी हार के जीतता है वो जीत कर नहीं जीतता. आज जो हमने सीखा है हारने के बाद, हारे नहीं है, ने अपनी पूरी कोशिश करी वहां पर जीतने की, लेकिन वक्त और जो नसीब है उससे ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है. तो मैं चाहता हूं कि अगली बार और मेहनत करें और अपना 100% दें और जीतें इंशाल्लाह. क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे. वाह,